नमस्कार, चलिए तो मध्य प्रदेश की तरफ रुख करेंगे। मध्य प्रदेश से एक बड़ी घटना सामने आ रही है। मध्य प्रदेश के रीवा जिले में गणतंत्र दिवस के मौके पर परोसे गए मिड डे मील को खाने से 50 से भी ज्यादा बच्चे फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गए हैं। सभी को इलाज के लिए सिरमौर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। डॉक्टरों का कहना है कि सभी बच्चों की हालत खतरे से बाहर है। फिलहाल इस बात का पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि बच्चों को कौन सी चीज नुकसान करी है जिससे उनकी तबीयत बिगड़ गई। लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि पूरी सब्जी ही बच्चों को नुकसान करी है जिससे उनकी तबीयत खराब हुई है। पूरा मामला रीवा जिले के पड़री गांव का बताया जा रहा है, जहां पर एक शासकीय प्राथमिक विद्यालय पड़री में गणतंत्र दिवस का कार्यक्रम आयोजित किया गया था। कार्यक्रम के बाद बच्चों को मध्यान्ह भोजन परोसा गया, जिसको खाने के बाद अचानक उनकी तबीयत बिगड़ने लगी। देखते ही देखते करीब आधा दर्जन बच्चे फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गए। आनंद फानंद में सभी बच्चों को इलाज के लिए सिरमौर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराना पड़ा। फिलहाल सभी बच्चों की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। अब यहाँ पर बताया गया है कि शीर्ष स्व सहायता समूह द्वारा स्कूल में मध्याह्न भोजन दिया जाता है और रसोई द्वारा पूरी और आलू गोभी की सब्जी बनाई गई थी और लड्डू एक दुकान से लाए गए थे। इसके खाने के बाद अचानक बच्चों की तबीयत बिगड़ने लगी। 50 से ज्यादा बच्चे फूड पॉइजनिंग का शिकार हुए हैं और इसमें से 45 छात्र स्कूल के हैं और करीब 16 बच्चे आसपास के गाँव के हैं। घटना के बाद इसकी जानकारी पुलिस को भी दी गई थी और जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पंचनामा तैयार किया और किचन से खाने में बनाने वाला सामान भी जब्त कर लिया है। पुलिस को रसोई से एक डालडा का पैकेट भी मिला है जिसमें एक्सपायरी डेट डली हुई थी। फिलहाल अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है कि किस चीज के खाने की वजह से बच्चों की तबीयत बिगड़ी है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि पूरी सब्जी ही बच्चों को नुकसान कर गई है जिससे उनकी तबीयत बिगड़ गई। फिलहाल पूरे मामले की जाँच की जा रही है।